श्याम का नाम कोई गड़ी डिटर्जेंट पाउडर नहीं है कि पहले इस्तेमाल करोगे फिर विश्वास करोगे। नो, बाबा श्याम का नाम लाइफ की वो पॉलिसी है जो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी काम आती है। उठा लेना लंबे लंबे हाथ अगर ऐसी पॉलिसी बाबा से चाहते हो। एक एक दो तीन चार सुनता नहीं मेरी भला क्यों सुनता नहीं मेरी भला क्यों इतना बता दे क्या माजरा इतना बता दे क्या माजरा आता नहीं है समझ कुछ मुझे आता नहीं है समझ कुछ मुझे क्यों तुम्हारे के सहारे क्या दूर तुझे क्या है मेरा क्या दूर अपने मालिक को कुछ दे सकते हो। आज कीर्तन में आए हो तब भी सब घर छोड़कर आए यहाँ लाए हो तो क्या लाए हो अपना मन और अपनी भाव भरी ताली और कुछ नहीं लाए। दरबार में दो प्रकार के चमड़े होते हैं एक जिसको बाहर छोड़कर आ जाते हैं दूसरा ढोलकी में लगता है उसका काम भी वही खत्म हो जाता है लेकिन इसका काम इतना है कि बिना इसके कीर्तन नहीं हो सकता। और आज ऐसा नहीं लग रहा कि राजस्थान का कोई बहुत बड़ा सेठ हमारे नीलोखेड़ी में आ गया और हमारी किस्मत देखो किसके चरणों में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा। क्या दोगे बाबा को जरा सुनना क्या दूध तुझे क्या है मेरा क्या दूध तुझे क्या है मेरा जो है मेरा वो सब है तेरा जो है मेरा वो सब है तेरा तुमने दिया मुझको प्रभु सब तुमने फिर भी करूं अभिमान प्रभु अब फिर भी अभिमान प्रभु तेरे भरोसे रहूं सांवरे तेरे भरोसे रहूं सांवरे। एक बार सारे सुना देना अपनी आवाज बाबा को हम हारे हारे तुम हारे के कभी भी ऐसा लगे ना कि पानी सीट से ऊपर निकल रहा है कभी भी ऐसा लगे कि हार रहे हो लेकिन कोई सहारा नहीं है तब कुछ मत करना घर की छत पर जाना। अगर आसपास कोई ध्वजा दिख जाए ना बाबा की उसको देखकर कह देना कि बाबा आ गया मैं दुनियादारी सारी बाबा छोड़ के
आटू वाले रिंग से उस मोड़ पे हाले ने आधा आटू वाले रिंग के उस मोड़ पे। सच बताता हूँ प्रेमी, जहाँ से साइज खत्म होती है ना वहां से बाबा शुरू होता है। जहां से साइंस खत्म होती है वहां से बाबा शुरू होता है। आज की बात बता रहा हूं, मैं जब चला था कुरुक्षेत्र से, वेदर रिपोर्ट देखी, बारिश पक्की लिखी है। ये साइंस कह रही है कि बारिश पक्का लिखी है। यहाँ आया तो तूफान भी चल रहा था, लेकिन जैसे ही बाबा गले में विराजित करे वो तूफान भी रुक गया। ये और कुछ नहीं था, ये मेरा बाबा था जो नीलोखेड़ी में आकर बैठ गया और नीलो खेड़े के ऊपर छाता खोल कर खड़ा हो गया कि आज नहीं आना, आज के बाद जब मर्जी आ जाए। कहना बाबा को कि बाबा आ गया मैं हो मेरे बाबा, आकर दामन थाम ले। आ गया मैं हो मेरे बाबा, आकर दामन किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। हाँ, मुझे किसी श्याम भगत ने बाबा का तू नाम ले। एक लाइन हर कीर्तन में कहता हूँ, आज भी पूरे घमंड के साथ कहता हूँ, जब भी आपका नाम बढ़ने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, जो पीछे टांगे काटते हैं वो कोई बाहर का नहीं होता, वो अपने घर के होते हैं। बाहर जाके आपकी लाख बुराइयां करेंगे, घर में आकर कहेंगे मैं तो तेरा हूं, तेरा बुरा कैसे जा सकता। इसलिए हर कीर्तन में कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, यारी दोस्ती और रिश्तेदारी ले आई मुझे रोड पे। यारी दोस्ती और रिश्तेदारी ले आई मुझे रोड पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंग के उस मोड़ पे। लेने आ जा खाटू वाले रिंग के उस उठा लेना लंबे लंबे हाथ। अब ये ताली अपने लिए मत बजाना, अब ये ताली उनके लिए बजाना जिनको घर छोड़कर आए हो। उनकी हाजिरी में लगना जरूरी है जो इस समय घर पर बैठे हैं। एक दो तीन बाबा, इसके इतने चमत्कार हैं कि शायद गिनाता सदियां बीत जाए लेकिन चमत्कार की कम नहीं होते। दिल्ली का एक बहुत बड़ा श्याम भगत, बाबा जी सेवा करते। सुबह उठता जय श्री श्याम, रात को सोता तब जय श्री श्याम, लेकिन घर में औलाद नहीं, 15 साल हो गए। बाबा के दरबार में गया कि बाबा मुझे इस खुशी से दूर क्यों रखा। सुबह उठता तब तेरा नाम लेता हूँ, रात को सोता तब तेरा नाम लेता हूँ, लेकिन तूने मुझे इस खुशी से दूर क्यों रखा। सच बताता हूँ प्रेम, अभी सिर्फ बाबा को कहा था, अभी जनवरी में 15 साल के बाद घर में लड़का हुआ है। ये और कुछ नहीं है, तीन बहन के ओ कला धारी कला मुझे भी दिखा दे तू। तीन बहन के ओ कला धारी कला मुझे भी दिखा दे तू। आज ज्यादा कुछ मत मांग, सिर्फ इतनी सी चीज मांगना कि बाबा जैसे दर्शन सबको देता
दर्शन मुझे करा दे जैसे दर्शन सबको देता दर्शन मुझे करा दे। और एक बार उठा लो लंबे लंबे हाथ, ताली कोई नहीं बजाएगा, एक बार